मुझे बचपन से पता था कि मैं कुछ एक्ट्रेस ही बनूंगी बड़े होके। अरे मैं अपने को बहुत खूबसूरत बड़ी हीरोइन समझती थी। वो पूरा नशा उतर गया था कि नीचे आ जाओ, तुम इतनी भी सुंदर नहीं हो। कॉन्टैक्ट्स बनाने से कुछ ही नहीं होता है, कोई काम नहीं दे रहा है, ठीक है? ऐसे तो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स अपने दोस्तों को काम नहीं दे पा रहे हैं, हमें क्या देंगे पार्टी में एक मिलके? द इंडस्ट्री दैट वी आर इन, इट्स फुल ऑफ प्रेडेटर्स। वी नीड टू से नो, अदरवाइज लोग तो पूरा एडवांटेज लेंगे। बहुत ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, यू नो, मैं जब ना नहीं बोल पाई जहाँ मुझे बोलना चाहिए था। घर पे उतना वैसा माहौल नहीं था ना कि प्रेस किया जाए जो कर रहे हो आप चीज़ें, तो आई वॉज अ वियर्ड किड। आई डोंट नो व्हाट फ्रेंडशिप वॉज और हाउ टू बी फ्रेंड्स विद पीपल। मैं इतने टॉक्सिक घर से निकली थी, आई डिडंट नो द वैल्यू ऑफ फ्रेंड्स, आई डिडंट नो व्हाट फ्रेंड्स आर। किसी ने मुझे 40 लाख का लीगल नोटिस भेज दिया था बिकॉज मुझे एक वेब सीरीज नहीं करनी थी, दे वर फोर्सिंग मी टू डू सम इंटीमेट सीन्स एंड आई एम नॉट ओके विद दैट। खुद तो कुछ पता नहीं अपने कल्चर के बारे में, मुझे बोलते रहते हो ये कल्चर खराब कर रही है, ये कल्चर। अरे तूने कितना सीखा कल्चर के बारे में? आई हैव ओनली फेस्ड रिजेक्शंस इन माई लाइफ। आई वॉज अ पेटी टीवी एक्टर, आई हैव ओनली डन साइड रोल्स। बनने तो मैं हीरोइन आई थी। Hello and welcome to Let's Talk with Bollywood Bubble. This is your host Nawaz Kochra and today I am in conversation with somebody really special. So I have known her for quite some time now and for me she is the winner in life. लोगों ने उन्हें हेट किया, लोगों ने उन्हें एडमायर किया, लोगों ने उन्हें लव किया, बट किसी ने उन्हें इग्नोर नहीं किया है। एंड दैट फॉर अस इज द फुल ऑफ लाइफ, द फायर क्रैकर उर्फी जावेद, हु इज इन कॉन्वर्जेशन विद अस फॉर अ हार्ट टू हार्ट टॉक। सो हेलो उर्फी, वेलकम टू बॉलीवुड बबल। हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? वेरी वेल, वेरी वेल। आई हैव टू से लॉन्ग, इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम दैट यू नो वी आर मीटिंग एंड हैविंग दिस कॉन्वर्जेशन, बट I literally admire the way these last few months or probably the last 1 year has panned out for you. Yeah, it's been a good change actually. I mean, I think things change after Dirty Magazine. So it's been a positive change. And what about the Abu Jani Sandeep Khosla? Yeah, all of them actually. So Dirty Magazine and Abu Jani Sandeep Khosla happened at the same time. Wow. And I mean, it was... First, I think when Abu Jani like approached me, I was like in shock. Like they approached me themselves to be a part of their fashion movie and to wear their designs, and they were so nice to me. They're literally like the best people I've ever met. They're amazing. Also, you know the Urfi that we see today. I want to know how different is this Urfi when she was a child. I mean, though I have always loved clothes. I loved wearing different outfits. I was very fascinated by what I was seeing on television. I used to watch TV a lot. So I was very much interested in dressing up just like the actresses because in my head I was an actress. I knew that I'm meant to be. मुझे बचपन से पता था कि मैं कुछ एक्ट्रेस ही बनूंगी बड़े होके, तो I wanted to dress like them. I wanted to look like them. I wanted to look different from everyone. I wanted attention. I was like that, but I was also very underconfident. मतलब घर पे उतना वैसा माहौल नहीं था ना कि प्रेस किया जाए जो कर रहे हो आप चीज़ें, तो अंदर ही अंदर कहीं I was like maybe I'm not good enough. I was a very shy kid. I would say. But you know, like you mentioned, you used to watch a lot of TV, and I'm assuming films also for that matter. मतलब जो भी टीवी पे आता था, जब जब फिल्म्स आ रही हैं। बट ऐसे कोई फेवरेट एक्टर था उर्फी का जिसको उर्फी देखकर यू नो शी वुड ड्रेस अप प्रोबब्ली और ट्राई टू इमिटेट हर इन द फैशन चॉइसेस आल्सो फॉर दैट मैटर? आई लव्ड, मतलब डिफरेंट टाइम डिफरेंट, यू नो, कभी करिश्मा कपूर की मूवी देखी तो अरे वाह क्या कपड़े पहने हैं, बीवी नंबर वन है, तो मतलब वो जंगल आधी रात में वो उसका जो पूरा लुक था, 3-4 लुक्स थे, दे वर लाइक टू गुड कि ऐसे ही चाहिए। कभी सीरियल देखा तो ऐसा लगता वो कशिश का सीरियल, वो आमना शरीफ का कशिश बनी थी, कहीं तो होगा, तो उसमें जो वो पहनती थी, अरे यार ऐसा इंडियन हो तो ऐसा हो, और मतलब और एक शरारत, आई यूज टू लव व्हाट श्रुति वॉज वेयरिंग इन शरारत, लाइक शी वॉज माई फैशन आइकॉन, आई एम नॉट इवन किडिंग। आई हूएवर द स्टाइलिस्ट वॉज इन शरारत, टू गुड। ऑल्सो हाउ वाज स्कूल लाइफ फॉर यू? It was okay. I didn't have a lot of friends. I was a weird kid. I didn't know what
फ्रेंडशिप वॉज और हाउ टू बी फ्रेंड्स विद पीपल, मतलब बात होती थी, बट आई डोंट नो, आई वाज अ वियर्ड चाइल्ड, आई डिडंट हैव बट इसे मतलब आप खुद सामने से फ्रेंड्स नहीं बनाती थी या व्हाट वाज इट लाइक, हाउ वाज दैट, मुझे पता ही नहीं था बनाते कैसे, बातें कैसे करते हैं, क्या बातें करनी क्या होती है फ्रेंड्स को, व्हाट आर वी सपोज्ड टू डू, व्हाट आर वी सपोज्ड टू टॉक एंड हाउ आर वी सपोज्ड टू इवन ग्रीट पीपल, दोस्ती क्या होती है, आई हैड नो आइडिया, सो आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट इट. And what about siblings? Like, how was your equation with the siblings? Yeah, I had a lot of siblings. So, me and my elder one were always fighting. I mean, sabke saath theek hi tha. Matlab, we were not like, we are close, but it was not a very lovey-dovey relationship. It was, we were in the same. Mutual respect, probably. Respect to bilkul bhi nahi. aaj tak nahi hai, aisa kuch bhi. We were fighting. We used to fight a lot. Bahut marpeet hoti thi. Bahut. But has it changed today when Urfi Javed has become famous or it's still the same? मतलब मारपीट extreme cases में होती है, but for them I'm still the same. Like उनके लिए थोड़ी कुछ बदला है. Absolutely, and you know उनके लिए नहीं बदला, but आसपास की जो extended family relatives उनके like has the treatment changed from that side? I don't know honestly, I've not met anyone. Like okay. मैं 8-10 साल से I've not met any relative. I'm not even interested, like I just don't want that kind of negativity. When I was a child there was a lot of negativity because of them. I can't entertain you now. Okay, also tell me one thing, so you know like you mentioned you were an underconfident child. Yeah. what was the turning point, you know, which changed Urfi to become this confident girl who is ruling so many hearts today? Halat. Okay. Matlab, imagine like it's just the confidence that I gained after I came to Bombay. I've met so many people. People here are nice, but then the industry that we're in, it's full of predators. We need to have that attitude. We need to say no. Otherwise, लोग तो पूरा advantage लेंगे. मतलब कोशिश की भी है तो कई बार बहुत ऐसे incidents हुए हैं. You know, मैं जब ना नहीं बोल पाई जहाँ मुझे बोलना चाहिए था. तो now I know कि भाई बॉस ना बोलना बहुत ज़रूरी है. आई रिमेम्बर जब मैं बिल्कुल नई नहीं आई थी, मुझे एक ऑडिशन के लिए एक आदमी ने अपने घर पे बुलाया था, बिना कैमरे के ऐसे बोल रहा है कि अच्छा ठीक है तुम ऐसे एक्ट करो, तुम मेरी लवर हो, आके मुझसे चिपक जाना. एंड आई एम जस्ट लाइक व्हाट इज़ हैपनिंग, देयर इज़ नो कैमरा, व्हाट काइंड ऑफ ऑडिशन इज दिस. एंड आई एम जस्ट लाइक हो कह रहा है. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग नो, मतलब मैंने बहुत हिचकिचाते हुए उसको गले लगा के सीन के अंदर सर आई एम लीविंग, वेयर इज आई शुड हैव स्लैप्ड हिम कि बहन के तू पागल है, चू क्या करवा रहे हैं, कैमरा कहाँ है, बोले दिस इज माय कैमरा. सो यू नो इट्स बिकॉज ऑफ टाइम एंड द थिंग्स हियर दैट आई हैव लर्नड. बट यू नो इफ आई एम नॉट रॉन्ग यू वर 15 और 16 व्हेन यू केम टू मुंबई. नो आई वाज 17 व्हेन आई लेफ्ट माय हाउस. हां जी आई वाज इन दिल्ली, आई थिंक आई वाज 18 व्हेन आई केम हियर. सो यू नो पैकिंग योर बैग्स एंड लखनऊ से दिल्ली जाना एंड दिल्ली से मुंबई आना, what gave you that courage to you know itne bade shehar mein akela all the way aana to make it on your own? Because I had nothing to lose, matlab main apna ghar to pehle hi chhod chuki thi, so everything was for me like ki abhi yahan jaake ek opportunity hai. Tha to mere paas kuch bhi nahi, to abhi jo bhi aage hoga wo isse to better hi hoga na agar try karungi. Interest mujhe hamesha se tha Bombay aane mein, paise nahi the, but kisi tarah jeb mein 10,000 लेके, मैं 5-10,000 मुझे याद भी नहीं है, मैं बड़ी हिम्मत करके जॉब इंटरव्यू के लिए आ गई यहाँ पे कि चलो कुछ नहीं तो ऑडिशन देती रहूँगी. जब तक फ्रेंड फ्री में रख रहा है उसके साथ रह लूँगी, नहीं तो वापस तो जा ही सकते हैं. तो माई थॉट वॉज कि इफ़ नथिंग आई कैन ऑलवेज गो बैक टू वर्किंग इन अ कॉल सेंटर इन दिल्ली. But you know, whoever comes from another city, usually unka perception for Mumbai is like the city of dreams, Maya Nagari Mumbai. Kya aap bhi, or did you also, you know, perceive it as that ki city of dreams hai, and you know? I still perceive it like that. I still feel it's the city of dream. It's the best place to live. Mumbai sachi kya jagah hai yaar? Wo to hai, sach mein. There is magic here. Matlab, reason poochho ki kya reason hai? Reason mujhe nahi pata. मुझे इस मतलब बाहर भी जब जाती हूँ ना मुझे मुंबई की याद आने लगती है. आई फील जब मैं लखनऊ में भी थी ना, आई ऑलवेज फेल्ट आई डोंट बिलोंग हियर, ये मेरा घर नहीं है. जब मैं मुंबई आई आई फेल्ट यही मेरा घर है भाई, यही रहना है मुझे. बट यू नो यू मेंशन द स्ट्रगल्स इन द इनिशियल डेज, यू नो ऑन द प्रोफेशनल फ्रंट, बट वर देयर ऑल्सो
challenges you faced, you know, while probably, let's say, while searching a house, or, you know, while meeting the right kind of people and building those contacts to get into the industry? I have never met people to make contacts. Contacts banane se kuch nahi hota hai. कोई काम नहीं दे रहा है, ठीक है? कांटेक्ट क्या, कांटेक्ट पार्टियों में जाके लोगों से मिलने पे अगर काम मिलने लगे तो ये आधे लोग फिर, मतलब सब, फिर मुंबई में सब काम कर रहे होते हैं इंडस्ट्री में, सब हीरो हीरोइन बन चुके होते हैं ये, मतलब क्या कांटेक्ट से क्या फ़र्क पड़ता है? आई फील या तो आपका बाप दादा कोई हो भाई, तब आपको मूवीज़ मिलेंगी. मतलब यू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ बैकग्राउंड टू गेट इन टू फिल्म, और either you audition a lot, either you are that actor कि भाई जिसको ignore करना ही मुश्किल है. contact पार्टियों में जाने से कुछ भी नहीं होता. घंटा ऐसे तो बड़े बड़े producers अपने दोस्तों को काम नहीं दे पा रहे हैं, हमें क्या देंगे पार्टी में एक मिल के. and what did you ask me? The struggle with staying, you know, finding a place to stay and all that. यार as a Muslim it's a lot of struggle. मतलब I feel that मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी जब भी मैं घर देखने जा रही हूँ तो बजट का जो भी है मेरे, मतलब पहली चीज़ तो दे वुड बी लाइक हाँ ठीक है, पर सिंगल लड़की, मुस्लिम, एक्टर, ये तीन चीज़ें बहुत प्रॉब्लम देती है. हाँ मतलब ये तीन चीज़ें रेड फ्लैग्स हैं और ये तीनों ही हैं. तो अभी मैं क्या करूँ? कितनी बार तो ऐसा हुआ है कि पीपल थॉट दैट आई एम, मैं अपनी किसी फ्रेंड के साथ जाती घर देखने, तो एक बार हुआ था, दो बार हुआ है, तो एक बंदे ने मुझे घर फाइनल कर दिया. नेक्स्ट डे मुझे शिफ्ट करना था, तो आज शायद कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था, तो उसने मेरी आईडी वाईडी आज ही बनना था कॉन्ट्रैक्ट, मुझे नहीं पता. मैंने दी आधार कार्ड एंड देन ही सेड उर्फी, मैंने कहा हाँ, तो उससे मुझे लगा उर्वशी या हियर्ड उर्वी उर्वशी या उर्वी, तो मैंने कहा नहीं नहीं उर्फी, बोला मॉन्डन, मैंने कहा या इसे नहीं नहीं हम मॉन्डन को घर नहीं देते. मैंने कहा पर मेरा सामान लाइक लिटरली मैंने खाली कर दिया वो घर, बस मतलब कल आना है, शिफ्ट होना है, वे विल आई गो, इसे मुझे क्या मतलब है, जहाँ जाना है वहाँ जाओ. मैंने कहा अरे दिस इज़ नो बिहेवियर, ये कैसी बदतमीजी है. एंड देन ही इज़ लाइक मुझे सब पता है तेरे, देन ही ट्राई टू चेंज द कॉन्वर्सेशन. इज़ लाइक अरे देखा है मैंने तुम्हें, तू पहले जूहू में रहती थी, सब पता है तेरे बारे में, तू प्रोस्टिट्यूट है. मैंने कहा जस्ट बिकॉज यू आर नॉट लेटिंग मी योर हाउस एंड यू थिंक कि मैं पुलिस स्टेशन चली जाऊंगी, बिकॉज मैं उसको धमकी दे रही थी कि मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी, नाउ यू चेंजिंग इट इनटू अ थिंग दैट मैं प्रोस्टिट्यूट हूँ. लाइक मैंने कहा एटलीस्ट हैव द बॉल्स टू जस्ट से इट ऑन माय फेस कि नहीं तुझे देना ही नहीं है मुझे घर, तू मॉन्डन है, मुस्लिम है, बात खत्म हो गई. एंड इसमें प्रोस्टिट्यूट और कहाँ से आ गया. इट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रगल इन बॉम्बे. You know, during those days, what was Urfi's headspace like? Like, was there ever a thought that, yaar, matlab, nahi ho raha, I'm going back? Back where? I had no back. I had nowhere to go. Matlab, my point was, when I ran away from my house, matlab, ghar to chhodi diya hai na. Kya hai back? Abhi kahan wapas jau? And then, I was anyways living like a vagabond. Kabhi Delhi mein call center, kabhi kuch. So, either this or nothing. मेरे पास प्लान बी ऑप्शन था ही नहीं. बहुत ही मतलब प्रिविलेज होते हैं वो लोग जिनके पास ऐसे घर जाने का है ऑप्शन. हमारे पास नहीं था. हमारे पास ऊपर से और लोगों की दिक्कतें, घर पे खाना पानी घर पे भी तो भेजना है, छोटे छोटे भाई बहन स्कूल में, तो वो हमारे पास प्रिविलेज नहीं था. बट वॉट वॉज द ब्रेक थ्रू देन फॉर यू? मतलब आई एम श्योर अच्छे लोग भी मिले होंगे इस इंडस्ट्री में, बट वॉट वॉज, हाउ वॉज दैट फर्स्ट ब्रेक दैट हैपेंड? ब्रेक बिग बॉस यार, मतलब अच्छा बिग बॉस होती थी, पर आई गॉट लाइक आउट इन वन वीक. बट टिल देन इट वाज सोशल मीडिया, योर सोशल मीडिया गेम वाज टॉप नॉच बाय देन. टॉप नॉच तो नहीं बोलेंगे, ठीक ठाक जा रहा था, अच्छा जा रहा था. आई वाज आल्सो, मतलब सोशल मीडिया में मैं तब भी नंगी पुंगी पिक्चर्स डालती थी, सो पीपल वर इंटरेस्टेड, सो आई वाज गेटिंग अ लॉट ऑफ लाइक्स. आई वाज मॉडरेटली पॉपुलर ऑन सोशल मीडिया, तो उस हिसाब से ठीक चल रहा था. बट यू नो आई वांट टू नो व्हाट इज प्रोबेबली योर टेक और योर बिलीफ इन डेस्टिनी. लाइक यू mentioned इन द बिगिनिंग ऑफ द इंटरव्यू दैट कहीं ना कहीं आपके दिमाग में हमेशा से ये था कि आप एक्ट्रेस बनोगे. सो डिड यू ऑलवेज बिलीव इन डेस्टिनी? नाउ आई डू. आई डोंट नो, फॉर सम रीजन आई फील वॉट एवर हैज हैपेंड इन माई लाइफ हैड टू हैपन टू शेप मी इन टू द पर्सन दैट आई एम टूडे. मतलब बहुत ऐसी चीज़ें, अगर मैं 17 साल में अपना घर नहीं छोड़ती तो मैं यहाँ कैसे आती? तब मुझे लगता था कि वाई गॉड वाई मी, बट नाउ आई रियलाइज इट्स दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर कैरेक्टर बिल्डिंग. और वो कैरेक्टर बिल्डिंग, जब आपका कैरेक्टर बिल्ड होता है तो आप सही डिसीजन देते हो, या सही भी नहीं गलत भी, पर वो भी इम्पॉर्टेंट है सीखने के लिए, क्योंकि वो सीख आगे काम आती है.
तो बहुत ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जब मेरे पर किसी ने पहले, मतलब जब किसी ने मुझे 40 लाख का लीगल नोटिस भेज दिया था बिकॉज मुझे एक वेब सीरीज़ नहीं करनी थी, दे वर फोर्सिंग मी टू डू सम इंटीमेट सीन्स एंड आई एम नॉट ओके विद दैट. सो उस टाइम मैं डर गई, उस टाइम मैं बिल्कुल सुसाइडल हो गई. बट आई रियलाइज कि वो तब इसलिए हुआ था बिकॉज अभी मेरे पास बहुत लीगल नोटिस है, मेरे पास केसेस भी हो चुके हैं. सो आई नो, मतलब अगर अचानक से मेरे पर तो रोज़ ही केस होते रहते हैं. सो अगर वो चीज़ तब नहीं होती तो आज शायद मैं बहुत डरी डरी घूम रही होती. पर मुझे पता है कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं और कितना है कितना नहीं है, कितना इफेक्ट करेगा मुझे. एंड यू नो दिस सोशल मीडिया टॉक्सिसिटी ऑल्सो, लाइक आपने बोला कि यू नो लीगल नोटिसेस आते रहते हैं, सिमिलरली लोग कुछ ना कुछ कॉमेंट तो करते ही रहते हैं. अ लॉट ऑफ पीपल हैव गुड थिंग्स टू से, अ लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो हैव बैड थिंग्स टू से. बट हाउ थिक स्किन्ड, और यू नो हाउ डिड यू बिकम सो थिक स्किन्ड कि आफ्टर अ पॉइंट फर्क नहीं पड़ने लगा? डू यू रिमेंबर दैट पर्टिकुलर कॉमेंट और इंसिडेंट वैन यू वर लाइक यू नो वॉट, बहुत हो गया, आई इट्स नॉट गोइंग टू अफेक्ट मी एनी मोर? पर्टिकुलर कुछ नहीं होता है यार लाइफ में, जर्नी होती है सबकी अपनी अपनी. इट्स अ जर्नी ऑफ सेल्फ लव, ऑफ इम्प्रूविंग कुछ चीज़ें जो आप भी ख़राब कर रहे हो. तो वो एक दिन से वही है ना कि बीज बोगे तो 5 साल बाद पेड़ में निकलेगा. हाँ जी. तो धीरे 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 इतना हो गया, हमने कहा मैं क्या ही कर लोगे, मैं अपना मस्त हूँ, अपने चिल कर रही हूँ अपने घर में. हाउज द, हाउ डू यू परसीव द फैशन सेंस इन आवर कंट्री एट दिस मोमेंट? यार आई एम नो वन टू जज, ऑनेस्टली आई फील टू ईच इट्स ओन. मतलब मुझे पहनना है मैं पहनूंगी, बाकी जिसको जो नहीं पहनना है इट्स देयर विश. और फैशन इज़ वेरी पर्सनल, राइट? सम पीपल थिंक दैट लोफर्स एंड टी शर्ट्स आर फैशनेबल्स, आई थिंक व्हाट आई वेयर इज फैशनेबल. सो इट्स जस्ट, इट्स अ पर्सनल चॉइस. आई कांट ब्लेम पीपल कि ए तूने अच्छे कपड़े नहीं पहने, मतलब आई कांट जज पीपल ऑन दैट. राइट, बट पीपल सैडली डू, दे डू, इज देयर जर्नी, दे विल रियलाइज इट लेटर. कि मतलब यू आर जजिंग, यू डोंट वॉन्ट टू बी जज्ड बट यू आर जजिंग पीपल. That is so weird. Also, you know, like I mentioned that, you know, people are very quick to form judgments about somebody. Okay, recently also when you wore the breastplate outfit at an award show, there were a lot of people that, you know, who had to say a lot of things about it. There were objections also. I was reading a lot of comments on social media where jo bhi log bol rahe the, wo bol rahe the. But is there ever a time where, you know, where Urfi thinks, okay, this is where I draw the line? No. I don't have that pen. Okay. So I don't draw the line. Wow. But my point is, I don't know why people have that objection over breastplates. Aise to fir tum Ajanta Ellora ja ke sari paintings hi mita do bhai. Usme bhi to yahi sab bana hua hai. Abhi mita do India ki history se. Ye badi galat sabhyata hai hamare sabhyata mein nahi. Aap pehle apni sabhyata ja ke seekhiye. आपको खुद तो कुछ पता नहीं अपने कल्चर के बारे में. आप मुझे बोलते रहते हो ये कल्चर ख़राब कर रही है, ये कल्चर. अरे तूने कितना सीखा कल्चर के बारे में, तुझे कितना पता है. सो ये चूहे मेरे को तो इफेक्ट नहीं करेंगे जिनको खुद कुछ पता नहीं है, बस बोल रहे हैं कल्चर ख़राब कर रहे हैं, इसके ऊपर केस कर दो. मतलब ऐसे तो फिर इंडिया में कितने स्क्रिप्चर्स हट जाने चाहिए, हिस्ट्री मिट जानी चाहिए इंडिया की. ऐसा तो ऑल्सो यू नो when you came to Mumbai and you know you started off your also journey. Also I would just, yes, just yes, like to add, yes. Not all nudity is sexual, it's correct. Just it's how the female body is, guys, like grow up. You know when you came to Mumbai and you know you were you know working out things and trying to make a career from acting, were there also times where you faced rejections and you know there were, you know, you probably wanted to get into a certain acting space but us time it did not work out? Rejection matlab I've only faced rejections in my life. I was a petty TV actor. I've only done side roles. Banne to main heroine aayi thi, fir maine socha koi nahi Bollywood mein to hoga nahi, TV mein main lead ban jate hain. Maybe main bhi kumkum matlab you know Prerna in sab ki tarah naam kama lungi. Mujhe role hi nahi mil raha, मुझे साइड कैरेक्टर्स ही मिल रहे हैं. तो ठीक है, बट समटाइम्स यू डोंट हैव टू टेक रिजेक्शंस पर्सनली. इट्स नॉट लाइक यू आर नॉट वर्थ इट, बट आपको ऐसा नहीं सोचना है. आपको ये सोचना है आप में कमी थी और आपको इम्प्रूव करना है. बट समटाइम्स इज ऑल्सो यू डोंट फिट इन टू दैट कैरेक्टर. ऑल्सो लक की भी बात होती है कभी कभी. डायरेक्टर बस यू बोथ आर गुड, पर डायरेक्टर जैसे अच्छा इसको ले लेते हैं. टीवी में तो ऐसा ही होता है.
सो आई ओनली एक्चुअली ऑडिशन फॉर टी वी, आई नेवर इवन ऑडिशन फॉर मूवीज, बिकॉज मुझे पता था मेरी औकात के बाहर है. बट यू नो लाइक यू सेड, रिजेक्शंस यू शुड नॉट टेक देम पर्सनली, बट व्हेन दे हैपन बैक टू बैक, उस टाइम फिर हाउ इज द हेड स्पेस दैट टाइम? अरे मैं अपने को बहुत खूबसूरत बड़ी हीरोइन समझती थी. वो पूरा नशा उतर गया था कि नीचे आ जाओ, तुम इतनी भी सुंदर नहीं हो. सो आई रियलाइज दैट वेन एवर आई यूज टू गेट रिजेक्टेड, आई वॉज बींग वेरी पेटी. क्या रे इसको ले लिया, कितनी बदसूरत है ये, मैं इतनी सुंदर हूँ. मे बी दे डोंट वॉन्ट यू नो गुड पीपल ऑन दैट शो, ब्यूटिफुल पीपल ऑन दैट शो. बट देन स्लोली आई रियलाइज कि दिस इज़ बैड एटीट्यूड, शायद तुझ में ही कमी है. एंड मतलब एंड वॉट इज दिस प्रेटी मतलब एंड अगली, लाइक ब्यूटी इज टू ईच इट्स ओन. सो द रिजेक्शन नाउ आई रियलाइज दे टॉट मी अ लॉट, कि मतलब जस्ट लर्न. मतलब हर बार जब भी आप रिजेक्ट होते हो, आप अपनी गलती ढूंढो कि शायद मेरे अंदर एक कमी रह गई थी, मैं और अच्छा करने की कोशिश करता हूँ, लेट मी ट्राई टू इम्प्रूव इट, सो देन यू कैन बी अ बेटर पर्सन. यू नो प्रोबेबली हम एक एज पे आके समझते हैं दैट यू नो रिजेक्शंस आर एक्चुअली समथिंग दैट मेक अस अ बेटर पर्सन, बट सैडली आजकल ऐसे हो गया है दैट यू नो पीपल लाइक द यंगर जनरेशन इज नॉट वेरी ओके यू नो प्रोबेबली इन टेकिंग रिजेक्शंस, और यू नो दे डोंट वॉन्ट टू हियर एनीथिंग बैड अबाउट देमसेल्व्स. एंड यू बींग यू नो समबडी हुज अ पब्लिक फिगर एंड अ यूथ आइकन फॉर दैट मैटर, what would you like to tell the generation about you know rejections, or what is your personal take about you know the generation's reaction towards things like these? You will be rejected unless and until aap Ambani ke bete ho ya beti ho, you have to face rejection. It's just part of life and it's good for you, it builds character. Abhi nahi realize hoga, meri umar mein aake pata chalega ki kitna important tha. Har cheez turant mil jati hai na इंसान को, तो उसकी वैल्यू नहीं करता है. फिर जब रिजेक्शन के बाद वो चीज़ मिलती है तो इंसान अपनी गा देता है. मतलब बिल्कुल एक रोल जब आपको 100-200 बार रिजेक्ट होने के बाद मिलता है ना, आप पूरी जी जान लगा दोगे उसके लिए. तो वो वैल्यू जानना भी बहुत ज़रूरी है. ऑल्सो डू यू रिमेंबर दिस एनी ऑडिशन दैट वॉज द मोस्ट हार्ड हिटिंग फॉर यू, लाइक अ रिजेक्शन दैट वॉज मोस्ट हार्ड हिटिंग? आप बहुत उम्मीद से यू हैड गिवन दैट ऑडिशन एंड प्रोबेबली इट डिड नॉट वर्क आउट. आई मीन रिजेक्टेड एज इन सेट पे मेरा एक तो एक दो शो में ऐसा हुआ है, इतने ऑडिशन लिए, 3-4 ऑडिशन लिए, फाइनल कर दिया मुझे, फाइनल सेट पे बुलाया. सेट पे पता नहीं क्या हुआ, बुला के बोलते हैं 2 सीन के बाद कि नहीं आप घर वापस जाओ, आपको रिप्लेस कर रहे हैं. मतलब मतलब शुरुआत ही नहीं हुई और मुझे रिप्लेस कर दिया. आई वाज लाइक व्हाट द फक, आई मीन लेट मी परफॉर्म. अगर मेरी एक्टिंग इतनी बुरी लग रही थी तो मेरे 20 ऑडिशन लेके मुझे यहाँ तक क्यों भेजा? दैट वाज वेरी एम्बैरेसिंग एंड इंसल्टिंग. Actually, set से वापस भेज देना. And how was your headspace that time? Like you know when things like this happened? I was very very broken. मतलब बहुत embarrassment. मतलब embarrassment होती है ना, insult होती है आदमी की कि बताओ यार set पे 100 लोगों के सामने से भेज दिया ऐसे select करके, मैंने सबको बता दिया मैं ये show कर रही हूँ इधर उधर and then अभी क्या बताऊँगी. But also I felt there was some internal politics. Okay. वो I was not a bad actor. 10 ऑडिशन लिया था तब नहीं समझ आया था वो इंटरनल पॉलिटिक्स, बिकॉज समवन फ्रॉम चैनल कॉन्टैक्टेड मी कि आपको अपना 10% हमें देना पड़ेगा. मैंने कहा नहीं नहीं मैं नहीं दे रही हूँ. सडनली जैसे ही मैंने मना किया 2 सीन के बाद मैं आउट हो गई. ये पूरी पॉलिटिक्स थी मुझे. और आज भी तुम विकीपीडिया पे खोलोगे ना वो शो आता है उर्फी जावेद इन जीजीमा करके शो था. आज भी मैं मैंने इसको हटाओ यार कोई मेरे विकीपीडिया से, जीजीमा पीजीमा नहीं किया है मैंने. Also, you know, when things like these happened, yeah, downtime hota tha us time Urfi ke liye. What was, or you know, who were probably those people where Urfi found solace? You know, she could share what she felt like. Aisa koi company tha? Nahin. Yaar, pata hai, I couldn't hold on to friends at that time because meri bhi galti hai. I was very toxic. Okay. I didn't know how to, mujhe, as I said, mera character tab tak build nahin hua tha. Mujhe pata hi nahin tha. मैं इतने टॉक्सिक घर से निकली थी. आई डिडंट नो द वैल्यू ऑफ फ्रेंड्स, आई डिडंट नो व्हाट फ्रेंड्स आर, आई डिडंट नो एनीथिंग. तो आई कुडंट होल्ड ऑन टू फ्रेंड्स. आई वाज अ वेरी बैड पर्सन. आई यूज्ड टू बिच अबाउट पीपल, लड़कियों के पीठ पीछे बुराइयाँ, टिपिकल वही कॉलेज. क्योंकि मैं कॉलेज नहीं गई तो मैं सारी कॉलेज वाली हरकतें यहीं कर लेती थी. इधर उधर करना, लड़ाइयाँ कर लेना, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुमने मुझे बोल दिया, यू नो लाइक वेरी यू बिच. एंड मैं भी पीठ पीछे बुराई कर रही पर तुमने जाके इससे मेरे बारे में ये बोला, यू आर अ बैड फ्रेंड. एंड देन मार वार देना लड़कियों को, मार वार भी देती थी मैं.
My God. Yeah. So there was the actually like different people at different times, and none of them are in touch with me now. Matlab, I am not in touch with them. Correction. Sorry. So when you came to Mumbai, and you know, you said the world is full of predators. Ghar choda apne. In so much happening around where you know things are not going the way you want them to. How does one find themselves? Like how did Urfi find herself in all of this ruckus going on? You don't find yourself. You never do. But there is some point where it happens probably. You find different versions of yourself all throughout the life. Okay. There is not just one version of you. You're not the same person you were 1 year ago. And you have to accept it. Acceptance is the key. Even if you've made mistakes, you can't crib about it. You can't like just put yourself in that space. Ki are maine ye galti kar di. Theek hai. You also need to forgive yourself. So there is no finding oneself. It's just accepting oneself at different stages. We are 5 saal baad shayad you'll talk to me, I'll not be the same person. Meri same question pe different answers honge. Correct. So it's just accept yourself and try ki haan theek hai ye hua hai, I accept and try to learn from it. Also, were these acting rejections also in a way a stepping stone for you to do something more on the fashion front or get aggressive there? Us time tha hi nahi aa rahe sab kuch fashion jab apna TV kar rahe the 5-6 saal pehle aisa kuch. No one thought that a girl like me could get publicity through this. It was unknown. So it was not like that was in my mind. Hmm. But now I realize maybe I couldn't do any TV serial like as a main lead because maybe God had planned this for me. Agar main koi TV serial main lead kar leti to main fir wo TV ke hi usme ghus jati. Main ye sab nahi kar rahi hoti. So you know, as we said, destiny. So destiny. But could you relate to the, you know, those characters back then jo TV par hote the, you know, that typical Indian TV bahu? I played a pishachini, man. Nawaz, come on, how can I relate to a pishachini? No, I'm not talking about pishachini. I'm talking about you know, Indian typical TV serial bahu. Hey, to TV serial mein na, they've decided ये नेगेटिव ये पॉजिटिव. नेगेटिव जो लड़की है छोटे कपड़े पहनती है, शहर की है. पॉजिटिव जो लड़की है वो गांव की सीधी साधी सी लड़की है, पूरे कपड़े पहनती है. एंड एक लड़का है जिससे प्यार हो जाता है नेगेटिव को, पर वो पॉजिटिव को चूज करता है. दिस इज द प्लॉट ऑफ एवरी टीवी सीरियल एवर. सो द पॉइंट दैट लाइफ में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है. There's grey. There is shades of everything. People like us also are a mix of everything. Matlab, everyone is flawed. All human beings are flawed. Matlab, I might be a good person in someone's eye, but I can do bad things too. I've done bad things. You are a bad person in someone's eye, but you've done good things. Probably. So there's positive. Like, how can you relate? If someone says na ki main is character se TV mein relate kar raha hu, usko please bhai. उसको मेंटल असाइलम पहुँचाओ. देर इज टी वी नीड्स टू ऑनेस्टली आई थिंक टी वी नीड्स टू लाइक गेट मोर प्रोग्रेसिव एट दिस पॉइंट. राइट. आई एम सेइंग दिस इट्स दिस दिस मतलब पहले जो सीरियल आते थे शांति वगैरह वो आया था एंड देन सारा भाई वर्सेस सारा भाई, मतलब वो जो कंटेंट था उस टाइम का वो अब नहीं रह गया है. It's become very just bhoot, pishachini, drama. It's okay. I like drama also, but then I just feel we should tasteful be more tasteful. होना चाहिए. नहीं It's tasteful तो मैं भी नहीं हूँ खुद, but थोड़ा inclusivity. That's it. Absolutely. You are somebody जो मतलब I want to know how do you judge a person's character, because I feel कि कहीं ना कहीं you know there are times when Urfi ends up choosing the wrong people or you know probably and in that you end up being taken for granted. I don't choose people anymore, honestly. I've stopped with the judgment. Right. Puri tarah se nahi, but I mean aap ek level tak friendship karoge to us level tak hi aapko respect milegi. Mera abhi hai ki tak ghuso mat kisi mein. Hmm. Let people live, let people, and you don't, I have learned that we can't control other people. Your friends, your siblings, just friendship bhi itna achha lagta hai.
इतना ज़्यादा किसी में घुस जाओगे तो आपको पसंद आएगा ही नहीं, बस वही है अभी. इट्स अ वेरी बैड हैबिट. ऑल्सो इज देर अ लाइफ लेसन उर्फीज लर्नड इन दिस लास्ट वन ईयर, एनी काइंड ऑफ अ लेसन इन लाइफ? ये बहुत ही क्लीशे सा लेसन मैं बताऊँगी, बट जो हमारी प्रॉब्लम्स है ना हमारे हेड में ही वो इतनी बड़ी होती हैं. Yes. वो इतनी बड़ी है नहीं, मतलब एंड एवरीथिंग पासेज अवे. जब हमें लगता है ना कि दुनिया एंड हो जाएगी, सब खत्म हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है. चार दिन बाद सब कुछ ठीक हो जाना है, सब भूल जाएंगे. एंड देयर इज ऑलवेज अ सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम, एंड दैट सोल्यूशन इज टाइम. आपकी जो प्रॉब्लम है यही है और कहीं नहीं है. जितना आप सोच रहे हो कि लोग सोचेंगे, घंटा लोगों को फर्क नहीं पड़ता है. Like people, so this is my motto, this is what I do in life. Anyone who's like working with me, I don't lick their ass. And anyone who's giving me work, I don't go bite their ass. But does it also have repercussions, you know, when you have an approach like that? Haan, matlab sometimes people don't want to work with me because I'm upfront, but at least the power to say no makes me feel good about myself. I like the fact that I can say no. And has there ever been, you don't have to obviously give details, but has there ever been a time where you've said no and you've been very glad about it? A lot of times. Itni brand collabs aate hain, so you know, a lot of times they're like, they demand too much, yeah. Hmm. Ki 1 lakh rupees mein outfit bhi bana de, media ke saamne pehen ke bhi aa de, kyun main? Matlab bilkul ke समझ रखा है, जस्ट बिकॉज एंड लाइक आपको वो मिलेगा, यू नो यू विल गेट सम फुटेज, यू विल गेट दिस, आपको पब्लिसिटी मिलेगी, हम अपने पेज पे पोस्ट करेंगे, या कोई बड़ा इंसान है लाइक दिस प्रोड्यूसर वांट्स यू टू डू दैट फॉर द फिल्म, कि हमारे फिल्म के लिए आउटफिट बना दो. हम लाइक तो पैसे निकालो, सिंपल है. मतलब वॉट इज दिस नॉनसेंस? सो आई हैव सेड नो टू अ लॉट ऑफ प्रमोशनल एक्टिविटीज लाइक दैट. I like that approach. And you know, Urfi, what's the plan next? Like Bollywood mein kuch ho raha hai now. Ek zamana tha where you thought it's probably not your league, but now what? Now what's the stand? Abhi to aisa matlab kuch hai nahi offer, I'll be very honest. But I'll explore. Mera na Bollywood wala wo sapna nahi hai. Acha. I feel Bollywood is thoda overrated. You don't need to be a Bollywood celebrity to be famous now. I always Absolutely. Wanted to be famous. थोड़ा बहुत वो आ गया है मेरे पास बिना बॉलीवुड मूवी करे, तो अभी वो बॉलीवुड वाला जो सपना है, दो एक्टिंग आई वांट टू एक्ट, किसी और मीडियम से आएगा तो आई वुड लव दैट, बट आई डोंट एस्पायर लाइक अ बॉलीवुड मूवी और समथिंग. बट अगर आपको मौका मिले लाइफ में और आपको आपके पास से कुछ बदलना हो, वुड उर्फी गो एंड चेंज एनीथिंग? या आई वुड स्लैप अ लॉट ऑफ एस. एज आई सेड, द डायरेक्टर हु वाज ट्राइंग टू audition me without the camera and asked me to, you know, hug him and come close to him, I would like, man, I should have slapped him, man. A lot of times in my career I should have been like no, but I was just calm. Aur paison ki kami ki wajah se insaan, you know, cheeze kar deta hai, logo ke aisi cheeze bardasht karni padti hai jo ki galat hai, par aap karte ho. Set pe bhi ek ek room mein char char ladkiyan share kar rahi hain, just becomes very, जबकि अलाउड नहीं है दो ही. आई स्टिल रिमेंबर, मैंने नोटिस दे दिया था एक शो में, एंड दे वर लाइक कि नहीं हम नोटिस एक्सेप्ट नहीं करते. अरे क्यों नहीं करते भाई, बंधुआ मजदूर हूँ मैं, नहीं करना तेरा शो, नहीं करना है. और तुम बुला भी नहीं रहे हो ना, लाइक दे वर कॉलिंग मी ऑन द सेट. मेरा कॉन्ट्रैक्ट था 25 दिन का, तुम बुला रहे हो 3 दिन. तो मैंने कहा मेरे को दूसरा शो करने दो. नहीं, आप शो नहीं छोड़ सकती. क्यों नहीं छोड़ सकती, तुमने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है ना 3 महीना, दे रही हो नोटिस 3 महीने का. नहीं, हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं ये नोटिस. Well, that is Urfi Javed for us. Thank you so much, Urfi. That was so amazing, and really admire you as a person. And always stay the same. I know, हर साल हम एक different version of Urfi देखने मिलेगा, जैसे आपने बोला है. But the Urfi Javed that we absolutely adore is always going to be the same for us. So thank you so much. Thank you. Thank you for having me. Thank you. Hi, this is Urfi Javed and you're watching me on Bollywood Bubble.